हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो श्रीलंका वुमेन और इंडिया वुमेन के बीच में सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा। जो फर्स्ट T20 मैच हुआ था वो इंडिया ने विन कर लिया था, लेकिन मैच बहुत ही अच्छा हुआ था। तो हम साथ ही में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में और बनाएंगे बेस्ट ड्रीम इलेवन की टीम। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पास में जो बेल आइकन का बटन है आप उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं किसी भी मैच का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले भाई वीडियो को भी अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे व्हाट्सएप पे और कमेंट पे भी कि आप टेलीग्राम का ग्रुप बनाओ। तो भाई टेलीग्राम का ग्रुप आपके लिए मैंने बनाया, और ये आपके लिए एकदम फ्री ग्रुप रहेगा। अगर आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस ग्रुप में जो है आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। अगर किसी कारण से आप जो उस लिंक पे क्लिक करते हो और जो पेज है वो लोड नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे अपने टेलीग्राम के नंबर दीजिए, तो मैं आपको डायरेक्ट जो है उस नंबर से टेलीग्राम में आपको अपनी तरफ से ज्वाइन कर लूँगा। अगर आप खुद से हो जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने नंबर दीजिए, मैं आपको जो है इसमें डायरेक्ट ज्वाइन कर लूँगा। मैंने आपको कहा था कि मैं हर मैच की जो आपको यूट्यूब पर टीम नहीं दे पाता हूँ, तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस ग्रुप में आपको हर मैच की टीम मिलने वाली है, स्मॉल लीग की, हेड टू हेड की और ग्रैंड लीग की। और कोई भी न्यूज़ आती है टीम्स के बारे में या प्लेयर्स के बारे में, तो अगर मैच से एक मिनट पहले भी कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो जल्दी से जाके आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जैसे आप जानते हो आज जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में 6 ODI मैच खेला जाना है एशिया कप का, तो ग्रैंड लीग की टीम आपको यूट्यूब पर नहीं दे पाया, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है यहाँ पे मैंने आपको 4 ग्रैंड लीग की टीम भी दे रखी है। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है भाई। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होगे तो मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, बस मुझे यही फ़ायदा मिलेगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर है उनकी जो मैं हेल्प आसानी से कर पाऊंगा। तो आप जल्दी से इस ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाइए। हम आगे बात करने वाले हैं डग आउट ऐप के बारे में। तो अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप की लिंक और मेरे रेफरल कोड मिल जाएंगे। अगर आप मेरे रेफरल कोड के साथ साइनअप करते हो तब आपको इसमें 50 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। ये कैश बोनस आपको तभी मिलेगा जब अपना फ़ोन नंबर, पैन कार्ड और ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें आपको वेरीफाई करवानी होगी, तभी आपको इसमें 50 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। इस कैश बोनस के साथ आप कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो, और आप डगआउट के ऐप में किसी भी मैच का लाइव स्कोर भी देख सकते हो। बात करते हैं ऑफर्स के बारे में। तो एशिया कप का इसमें यही ऑफर चल रहा है कि अगर आप इस ऐप में 500 रुपये ऐड करते हो तब आपको इसमें 100 रुपये का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिल जाएगा। तो एक बार आप इसमें 500 रुपये ऐड करो, मुझे उम्मीद है आप कम पैसे ऐड करोगे और अच्छा अमाउंट आप विन करके विड्रॉ कर सकते हो, और जो भी आपका विड्रॉल अमाउंट होगा वो आप पेटीएम में भी ले सकते हो। और आपको सबसे बड़ी एडवांस यही मिलने वाली है इस डग आउट की ऐप में कि आपका इसमें प्लेयर कोई भी मिस नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें टॉस होने के बाद में भी टीम को एडिट कर सकते हो। जैसे आपको पता है जो आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही रिस्की मैच खेला जाएगा, प्लेयर्स आपके मिस हो सकते हैं, तो अगर आप डग आउट की ऐप में खेलते हो तो आपका इसमें प्लेयर मिस नहीं होगा, क्योंकि टॉस होने के बाद में आप अपनी टीम को एडिट कर सकते हो। बात करते हैं जो सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में, तो हम इस मैच की बनाएंगे डग आउट की टीम। तो यहाँ पे मैंने अपनी टीम में सबसे पहले लिया है पूनम यादव, हरमप्रीत कौर, अनुजा पाटिल, मिताली राज, स्मृति मंदाना, मेंडिस, असिनी परेरा, रोड्रिगस, चमारी अट्टापट्टू, तानिया भाटिया और ईशानी। तो इन 11 प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में लिया है। अगर आप प्लेयर्स को अपनी तरफ से चेंज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से प्लेयर्स को चेंज भी कर सकते हो। बात करते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो आपको इस ऐप में कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक नहीं करना। जैसे हम हरमप्रीत पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे। सिल्वर प्लेयर का मतलब ये होगा कि आपको इसमें 1.5 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, गोल्ड प्लेयर का मतलब ये होगा कि आपको इसमें 1.5 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और प्लेटिनम प्लेयर का मतलब ये होगा कि आपको इसमें 2 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो मानो आप इस तरीके से आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक कर सकते हो। तो मैंने अपनी इस टीम में हरमप्रीत को रखा गोल्ड प्लेयर, स्मृति मंदाना को मैंने रखा यहाँ पर सिल्वर प्लेयर, और चमारी अट्टापट्टू को मैंने अपनी टीम में बनाया प्लेटिनम प्लेयर। तो करते हैं टीम को सेव, और बात करते हैं हम लीग्स के बारे में। तो इसमें स्मॉल लीग और हेड टू हेड, ये दोनों लीग इसमें अवेलेबल है। आप इन दोनों में से कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा अमाउंट आप विन कर सकते हो, क्योंकि इस ऐप में अभी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है और खेलने में भी बहुत ईजी ऐप, 100% लीगल ऐप। एक बार आप इस ऐप में खेल कर देखो, मुझे उम्मीद आप इस ऐप में जो अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो भाई आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको डग आउट की ऐप अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो की भी अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। हम आगे बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन के टीम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपके लिए 2 सेफ ऑप्शन हैं, तानिया भाटिया और
रीबिका, ये दोनों आपके लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले। अगर आप ग्रेन ली खेलते हो और आपके रिस्क लेने की इच्छा हो, क्योंकि श्रीलंका की टीम अपना लास्ट मैच हार चुकी है, तो हो सकता है अपने प्लेइंग इलेवन में एक दो चेंजेस भी कर सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ग्रेन ली खेलते हो और रिस्क लेने की आपकी इच्छा हो तो आप ये भी देख सकते हो। अनुष्का संजीवनी, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है, किसी भी मैच में जो है बड़ा स्कोर कर सकती है, लेकिन लास्ट मैच में इनको मौका नहीं मिला था। तो हो सकता है इस मैच में रीबिका की जगह अनुष्का को मौका दिया जा सकता है। बहुत ही कम चांस, सिर्फ मैं 1% चांस कहूँगा, लेकिन ये एक चेंज हो सकता है। तो अगर आप अनुष्का को अपनी टीम में लेते हो तो आप देख सकते हो, इनको सिर्फ अभी तक 2% लोगों ने भी पिक किया है। तो अगर आप इन्हें अपनी टीम में पिक करते हो और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको वन साइडली एक ग्रैंड लीग भी विन करा सकते हैं। अगर आपका टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो ये आपको अच्छा अमाउंट विन करा सकती है। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो किसी एक टीम में, आप अपनी टीम में अनुष्का को जोर से पिक करना और कैप्टन भी इन्हें बना सकते हो। लेकिन मैं अपनी टीम में सेफ जाऊँगा, तानिया भाटिया को पिक करूँगा। 4 डाउन बैटिंग की नहीं थी लास्ट मैच में और बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी। बात करते हैं हम आगे बैट्समैन सेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने स्मृति मंदाना लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। हरमनप्रीत कौर को मैं अपनी टीम में इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पे मिताली राज को अपनी टीम में लेना चाहता था, क्योंकि मिताली राज बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन हरमनप्रीत कौर को लेने का मेरा यही मकसद है, क्योंकि ये लास्ट मैच में 5th डाउन बैटिंग करनी आई थी, ठीक है, और साथ में बॉलिंग भी अच्छी खासी की थी, इन्होंने 3 ओवर किए थे और 2 विकेट भी लिए थे, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। तो इसलिए मैंने अपनी टीम में हरमनप्रीत कौर को लिया। अगर आप इन्हें ड्रॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ से मिताली राज को भी अपनी टीम में ले सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छी प्लेयर है। मैंने यहाँ पे लिया यशोदा मेंडिस और रोड्रिगस, तो इन 4 बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया। ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके लिए मिताली राज सेफ ऑप्शन है, इन्हें आप अपनी टीम में ले सकते हो। डिलानी को मौका मिल सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। हसीनी पैरा आपके लिए ऑप्शन है लेकिन इस मैच के लिए डाउटफुल हो सकती है। वेदा कृष्णमूर्ति आपके लिए सेफ ऑप्शन है और यहाँ पे मेंडिस को मुझे लगता है मौका नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं आगे ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे मैंने लिया चमारी अट्टापट्टू को, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन ओपनिंग करती है और लास्ट में भी इन्होंने 2 विकेट भी लिए थे, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। अनुजा पाटिल ने भी बॉलिंग और बैटिंग बहुत ही अच्छी की थी। और मैंने 3rd ऑलराउंडर को लिए ईशानी को। ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके लिए सिल्वरदीन एक ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। दीप्ति शर्मा को मुझे लगता है इसमें बहुत ही कम चांसेस है, इनको मौका मिलेगा और मुझे लगता है हिमलता को भी मौका नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में, तो मैंने यहाँ पे पूनम यादव को लिया, पिछले मैच में इन्होंने लिए थे 4 विकेट, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। निकाल से डी सिल्वा को मैंने लिया और राधा यादव ने भी लास्ट मैच में लिए थे 2 विकेट, तो इन 3 बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में लिए। ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पे उद्देशिका का सेफ ऑप्शन, आप इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हो। अमा कंचना को मौका मिल सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसेस। रिपाली आपके लिए इस मैच के लिए डाउटफुल रहेंगे। दिलरी मुझे लगता है सेफ है। एकता भी इसको मौका मिल सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। सिका पांडे की भी बहुत ही कम चांसेस है। मांझी जोशी लास्ट मैच में थोड़ी महंगे साबित हुई थी, 2 ओवर में इन्होंने 24 रन दिए थे, तो ये इस मैच के लिए थोड़ा रिस्की हो सकती है लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलर है। अगर आप इन्हें अपनी टीम में पिक करते हो तो ये आपको स्मॉल लीग और 8-20 की लीग जो है वन साइडली विन करा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों लीग में मांझी जोशी को अपनी टीम में कोई भी पिक नहीं करेगा। तो करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात। तो मैंने अपनी इस टीम में कैप्टन रखा चमारी अट्टापट्टू को। क्यों रखा, क्योंकि ओपनिंग बैटिंग करती है और साथ में 4 ओवर पूरे करती है, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। यहाँ से मैं वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना को रखना चाहता था लेकिन मैंने हरमनप्रीत कौर को वाइस कैप्टन इसलिए बनाया क्योंकि 5 डाउन बैटिंग नहीं आती और साथ में अच्छे खासी इन्होंने बॉलिंग भी की थी, तो ये भी आपको बॉलिंग और बैटिंग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप स्मृति मंदाना को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। रोड्रिगस भी एक ऑप्शन अच्छा है आपके लिए। यहाँ से आपके लिए अनुजा पाटिल भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन का आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। करते हैं टीम को सेव और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू के बारे में, तो यही मेरे ड्रीम इलेवन के टीम का फाइनल प्रीव्यू रहेगा। इसी टीम के साथ में स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग खेलने वाला हूँ। अगर आपको ग्रैंड लीग्स की इसी टीम की चाहिए, इसी लीग की टीम चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होगा। हो सकता है मैं उस ग्रुप में जो है ग्रैंड लीग की टीम दे सकता हूँ, तो आप जल्दी से जाइए इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आप ही का फायदा होगा, कोई आपको उसमें लॉस नहीं होने वाला है। तो आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।